हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दोस्तों। मेरे चैनल टेक एंड प्रोसेस का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग जो टेक अपडेट्स निकल के आई है उसके बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में आप बताना शुरू करूँ उससे पहले और एक बात की, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि क्या टेक अपडेट्स जो है वो निकल के आई है। तो अब जो हम पहले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के A51 और A71 स्मार्टफोन के बारे में। उसकी जो है इंडिया के अंदर प्राइस कट ऑफ आया है और ये परमानेंट कट ऑफ आया है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिनों के लिए कोई स्कीम चलने वाली है। तो A51 के अंदर जो 6 GB रैम वाला वेरियंट है वो पहले कुछ 25,250 में बिकता था। अब उसकी प्राइस जो है वो डिस्काउंट के बाद हो गई है, प्राइस कट ऑफ के बाद हो गई है 23,999 रुपीज़। और उसी के अंदर जो है 8 GB रैम वाला वेरियंट है और अब उसकी प्राइस जो है आफ्टर जो है प्राइस कट ऑफ वो हो गई है अराउंड 25,999, यानी कि ऑलमोस्ट अप टू 1200 रुपीज़ तक का जो है इसके अंदर कट ऑफ हुआ है A51 के अंदर। और जहां बात करें A71 की, तो उसके अंदर जो 8 GB रैम प्लस 128 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी वो जो वेरिएंट है वो पहले हमें 31,999 में मिलता था, यानी कि ऑलमोस्ट 32,000 में मिलता था। अब उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है 30,999 रुपीज़, यानी कि उसके अंदर जो है हमें 1,000 रुपीज़ का जो है प्राइस कट ऑफ मिला है। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है, सोच रहे थे कि उनको सैमसंग के स्मार्टफोन बाय करने हैं और खास करके A51 और A71 के अंदर इंटरेस्ट था, तो अब सही टाइम है। प्राइस कट ऑफ होने के बाद आप उससे परचेस कर पाओगे और ये जो प्राइस इफेक्ट है वो अभी से, यानी कि आज से ही जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला G9 Plus स्मार्टफोन जो है वो ब्राज़ील के अंदर जो है वो अब लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर हमें 6.8 इंच का फुल HD+ जो है वो डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही में Snapdragon 730G SoC मिलने वाला है। 4 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ ही स्मार्टफोन आएगा। क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है जो होगा 64+8+2+2 का। 16 MP का हमें सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी आएगी इस स्मार्टफोन के अंदर। साथ ही में 30 W का जो है हमें टर्बो पावर चार्जर इसके साथ मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो ब्राज़ीलियन रियल के अंदर हम अगर देखें तो 2499 के आसपास रखी गई है। और इसे अगर हम इंडियन के रुपीस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 34,000 के आसपास इसकी प्राइस होती है। मुझे लगता है कि ये प्राइस में ये स्मार्टफोन बहुत महंगा है। अगर ये इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, इसी प्राइस पर लॉन्च होता है, तो ये स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कि चलेगा, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शन जो है मार्केट में अवेलेबल है। OnePlus Nord ले लो, और अभी फिलहाल यस्टरडे लॉन्च हुआ है Galaxy M51। सो ये दो अच्छे ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू देखने जाओ आप G9 Plus। तो देखते हैं कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट अगर होता है तो कौन सी प्राइस पे होता है। अब जो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है हुआवे के बारे में। तो हुआवे के एक स्मार्टफोन की जो है पैटर्न निकल के आई है अकॉर्डिंग टू लेट्स गो डिजिटल। ये जो हुआ की पैटर्न है उसके अंदर हमें ड्यूअल साइड विथ रैप अराउंड डिस्प्ले मिलने वाला है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात कहूँ तो जैसे शाओमी का Mi Mix Alpha था जो ड्यूअल साइड यूँ पीछे की तरफ जो डिस्प्ले उसकी जाती थी, तो वैसा ही एक पैटर्न जो है इसके अंदर निकल के आया है, जिसके अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है। हालांकि हुआवे की हालत अभी जो है वो काफ़ी तंग चल रही है, तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कब तक आता है हुआवे की तरफ से मार्केट के अंदर, और आता है तो इसका नाम क्या होता है और कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, ये देखने की बात होगी। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है OnePlus के स्मार्ट वॉच के बारे में है। तो काफ़ी सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि शायद ओप्पो जैसी स्क्वायर में या फिर एप्पल जैसे पैटर्न में जो है डिज़ाइन में आने वाली है, बट अब जो है अकॉर्डिंग टू मैक्स जे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बताया है, ये हिंट दिया है कि OnePlus की तरफ से जो स्मार्ट वॉच आने वाली है वो सर्क्यूलर शेप में, यानी कि राउंड शेप के अंदर जो है वो होने वाली है। यानी कि बहुत जल्द हमें शायद OnePlus की तरफ से स्मार्ट वॉच देखने को मिलने वाली है। मे बी ये ईयर के एंड तक जो है हमें शायद OnePlus की स्मार्ट वॉच भी देखने को मिल जाएगी। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है एप्पल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है, कहा जा रहा है कि एप्पल जो है उसने रिसेंटली ही सैमसंग के पास से जो बल्क में एक ऑर्डर दिया है जो सैमसंग का फोल्डेबल फ़ोन है उसके पैनल का। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद एप्पल जो है सही में फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कि एप्पल जो है अभी भी रिसर्च के स्टेज के ऊपर हो कि क्या ये टेक्नोलॉजी जो है फोल्डेबल फ़ोन की वो एप्पल सही में उसे अप्लाई करना चाहेगा, क्या ये इतनी सक्सेसफुल है या नहीं है। मे बी शायद ऐसी सब स्पेकुलेशन चल रहे हैं, क्या पता कि शायद हमें नेक्स्ट ईयर तक शायद एप्पल की तरफ से आने वाले कोई फोल्डेबल फ़ोन देखने को मिल भी जाए या ना भी मिले। बट फिलहाल के लिए अभी तक यही सब रूमर्स और रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद जो है एप्पल फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है।
अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रेडमी के सोनिक बास ईयरफोन जो है उसके बारे में। तो ये जो ईयरफोन है जिसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, IPX4 रेटिंग मिल रहा है, साथ ही में इसके अंदर हमें अप टू 12 आवर्स का जो है वो प्ले टाइम मिलने वाला है। तो ये जो ईयरफोन है वो नेपाल के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें नेपाल रुपी में इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 2099 रुपीज़। हालांकि अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ की में कन्वर्ट करते तो 1300 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस रखी गई है। हालांकि अभी तक इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है कि ये इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है शाओमी के मी 10T प्रो स्मार्टफोन के बारे में। तो इसके जो कुछ रेंडर्स है वो सामने निकल के आए हैं थ्रू डिजिटल चैट स्टेशन, और फ़ोटो को देख के हमें ये अंदाज़ा लग रहा, फ़ोटो में हमें दिख ही रहा है कि फ्रंट में हमें एक छोटा सा, एकदम छोटा सा जो है लेफ्ट हैंड साइड हमें एक छोटा सा कटआउट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। साथ ही में पीछे हमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर मेन कैमरा सेंसर, अगर आप जूम करके देखोगे तो मेन कैमरा सेंसर जो है वो हमें मिल रहा है 108 मेगापिक्सल का। हालांकि ये जो मी 10 सीरीज़ है, मी 10T सीरीज़ जो है वो हमें ग्लोबली शायद लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है, बट अभी जो है फिलहाल मी 10T प्रो के रेंडर्स निकल के आए। बट हो सकता है शायद अभी थोड़े ही वक्त के अंदर जो है हमें शायद अक्टूबर तक मी 10T सीरीज़ के एक या दो स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है एलजी के स्मार्टफोन के बारे में। तो एलजी की तरफ से आने वाला जो है वो ड्यूअल स्क्रीन वाला एक यूनिक सी डिज़ाइन वाला टी शेप वाला स्मार्टफोन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एलजी विंग की। तो उसका एक जो वीडियो निकल के आया था कंपनी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि 14 सितंबर को ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है कोरिया के अंदर, बट उसके बाद डेट जो है वो पोस्टपोन हुई थी। कहा जा रहा था 25 सितंबर को जो है ये लॉन्च होगा, बट अब जो है कहीं ना कहीं ये न्यूज़ निकल के आई कि शायद 5 अक्टूबर को जो है इसका लॉन्च होने वाला है। हालांकि किस रीज़न से ही ये डिले हुआ है अभी तक इसके बारे में कोई न्यूज़ निकल के कंपनी की तरफ से नहीं आई है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है अगेन एक हुआवे की तरफ से जो पैटर्न निकल के आई है उसके बारे में है। तो ये जो हुआ के पैटर्न निकल के आया है उसके अंदर हमें हेक्सागोन कैमरा डिज़ाइन मिलने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो नोकिया 9.1 जो प्योर व्यू है उसी की तरह जो है इसका सेटअप होने वाला है। सेम टू सेम नहीं होगा, बट थोड़ा अलग शेप में हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें 5 कैमरा मिलेंगे, साथ ही में एक LED फ्लैश मिलने वाला है। और साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है कहा जा रहा है कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम देखने जाए तो इसके अंदर हमें फ्रंट में जो है अंडर स्क्रीन कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो मे बी ये एक बहुत प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन होने वाला है हुआवे की तरफ से। और ये जो पैटर्न निकल के आई है वो थ्रू डिजिटल लेट्स गो डिजिटल के थ्रू जो है ये पैटर्न निकल के आई है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है मोटोरोला रेजर 5G स्मार्टफोन के बारे में है। तो आफ्टर यूरोप एंड US लॉन्च होने के बाद अब जो है इसके प्री ऑर्डर अब इंडिया में शुरू हो गए हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो लाइव पेज है वो लाइव हो चुका है इंडियन वेबसाइट के ऊपर। हालांकि अभी तक जो इसकी इंडियन प्राइस है वो सामने निकल के नहीं आई है, बट देखते कि मोटोरोला जो है इंडिया में इसकी प्राइस क्या रखता है। बट जो लोग भी इंटरेस्टेड है, आप रजिस्ट्रेशन इसके जो है वो ओपन हो चुके हैं, आप जाइए वेबसाइट के ऊपर और आप इसे रजिस्टर कर पाओगे। और अब जो मैं आपसे आखिरी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ वो निकल के आई है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 स्मार्टफोन जो है अब उसकी प्राइस अनाउंस इंडिया के लिए हो चुकी है, और इसके प्री ऑर्डर भी जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले, उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। और हालांकि इसकी जो प्राइस रखी गई है इंडिया के अंदर वो रखी गई है 1,49,999 रुपीज़। अगर आप लास्ट उसका जो फर्स्ट जनरेशन फोल्डिंग फ़ोन आया था उससे कंपेयर करोगे तो 15,000 कम रखी गई है पहले वाले फोल्डिंग फ़ोन से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 15,000 कम होने के बाद इसकी जो स्पेसिफिकेशन और इसके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं वो पहले से काफ़ी अपग्रेडेड है। तो एक अच्छी बात है सैमसंग की तरफ से। और हालांकि इसकी जो प्री ऑर्डर्स जो है वो शुरू होने वाले हैं 17 सितंबर से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप डेट सेट कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने स्मार्टफोन के अंदर, 14 सितंबर दोपहर 12 बजे से जो है इसके प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। और ये जो स्मार्टफोन है वो हमें 2 कलर्स में अवेलेबल होने वाला है, मिस्टिक ब्रोंज और मिस्टिक ब्लैक कलर में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप रेडी रहिए, बुकिंग बहुत जल्दी जो है इसके ओपन होने वाले हैं। तो बस दोस्तों यही थी आज की सारी अपडेट। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे जाइए, मेरा पेज लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख के सब्सक्राइब ना करना गलत बात है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। थैंक यू।